रियलमी 8 प्रो। जी हाँ दोस्तों, रियलमी 8 प्रो के बारे में आज आपको कंप्लीट डिटेल वगैरह सब कुछ जानने को मिल जाएगी। और दोस्तों, ये रियलमी 7 प्रो का सक्सेसर है। क्या ये सच में ही सक्सेसर है? आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक एंड अनबॉक्सिंग कंप्लीटली आपको देखने को मिल जाएगी। मेरा नाम है चाहत, आप देख रहे हो टेक चाहत। आइए करें टेक से पहले। लेकिन दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पे आओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ, ऑल पे सिलेक्ट करो ताकि सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करें। दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग बॉक्स कंटेंट की। तो बॉक्स में आपको फोन देखने को मिलता है, उसी के साथ एक टीपीयू केस देखने को मिलता है, सेमी इजेक्टर टूल देखने को मिलता है, उसी के साथ दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन और दोस्तों यूएसबी टाइप सी देखने को मिलता है, और साथ में दोस्तों 65 वाट का सुपर डार्ट चार्जर भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर केवल फोन केवल 50 वाट चार्जिंग सपोर्ट करता है। यहाँ पे जल्दी से बात कर लेते हैं हम लोग इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी हमें जो डिजाइन वगैरह, कलर्स वगैरह, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। जो मैंने कल ही अभी वीडियो बनाई थी, उसमें आपको फर्स्ट लुक देखने को मिल गया था। वो बहुत ही ज्यादा अच्छे कलर्स वगैरह, जो हमें ह्यूमिलेटिंग येलो कलर्स वगैरह देखने को मिल रहा है, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। और साथ में अगर बैक साइड की बात कर ले तो हमको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता, उसी के साथ दोस्तों प्लास्टिक बैग देखने को मिलती, यहाँ पर हमें ग्लास बैक देखने को नहीं मिलती है। और दोस्तों, ये इन हैंड फील की बात कर लें तो इन हैंड फील में आपके अंदर बहुत ही अच्छा लगेगा आपके हाथों में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। इसका जो हमें वेट देखने को मिलता है, वो मिलता है 177 ग्राम हमको इसका वेट देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छा लाइट वेट और इन हैंड फील तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग इसके पोर्ट्स एंड बटन की। तो सारे पोर्ट्स एंड बटन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। दोस्तों साथ ही में बात कर ले सिम ट्रे की। तो यहाँ पर हमको डेडिकेटेड सिम ट्रे देखने को मिलती है। दोस्तों ये तो हो गई फोन की एक्सटर्नल की बात है। अब बात करते फोन के इंटरनल की, क्या क्या घुसा हुआ आखिर रियलमी 8 प्रो के अंदर। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिए, और एक नीचे प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको तो पता ही है 1 घंटे के अंदर क्या होता, मेरी तरफ से हार्ट से रिप्लाई तो पक्के हैं। दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो 6.4 इंच के फुल HD+ हमें सुपर एमोलेड स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिलती है। 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता, उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर 60 हर्ट्स का पैनल देखने को मिलता, कोई 120 हर्ट्स का कुछ पैनल नहीं, सिर्फ 60 हर्ट्स का पैनल देखने को मिलता। और उसी के साथ दोस्तों एक चीज यहाँ पर हमें अच्छी देखने को मिलती, 1000 निट्स इसकी प्री ब्राइटनेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती, जो दोस्तों सही में बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। अगर आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर में भी जाओगे तो ये आपको अच्छे से आप जो उसकी ब्राइटनेस है वो आपको क्लियरली दिखेगा। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमको जो प्रोसेसर या चिपसेट देखने को मिलता है, वो मिलता कॉलकॉम Snapdragon 720G का। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा पुराना नहीं, केवल जितने भी रियलमी की जितनी भी 3 सीरीज आई थी, रियलमी 6 प्रो, रियलमी 7 प्रो, रियलमी 8 प्रो में भी हमको वही 3 जनरेशन से यही चिपसेट देखने को मिल रहा है। ट्राइड एंड टेस्टेड चिपसेट हमको इसके साथ देखने को मिल रहा है, जो अच्छा ठीक ठाक प्रोसेसर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनको बदलना चाहिए था, इस बार कुछ नया प्रोसेसर वगैरह अपग्रेड करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। केवल 3 जनरेशन से वो एक ही चिपसेट हमें दे रहे हैं 720G का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रैम टाइप की, तो यहाँ पर हमको LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं स्टोरेज टाइप की बात कर लूँ तो UFS 2.1 देखने को मिलता है। बात कर लेते सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, वो है जी बैटरी। बैटरी जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, विथ 50 वाट सुपर डार्ट चार्जिंग के साथ देखने को मिलती है। लेकिन चार्जर है जो हमको इसके साथ इनबॉक्स मिलता है वो 65 वाट का, लेकिन फोन केवल 50 वाट चार्जिंग सपोर्ट बस करता है। अगर ये 4500 mAh की बैटरी है, आपकी आराम से एक दिन चलेगी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके OS की। तो Realme का UI हमको देखने को मिलता है 2.0 देखने को मिलता है, जो बेस्ट है Android 11 पे, जो आउट ऑफ द बॉक्स हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमको जो इसका Realme का UI है, हमें यहाँ पर कुछ भी वगैरह ब्रोटवेयर या एड हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको प्री इंस्टॉल कुछ ऐप वगैरह देखने को मिलते हैं, जो आप इजिली आप उसको अनइंस्टॉल कर पाओगे और कस्टमाइज भी कर पाओगे अपने हिसाब से।
अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इसके बिग हाईलाइट के बारे में। जो रियलमी 8 प्रो का जो बिग हाईलाइट है वो है इसका कैमरा। जी हाँ दोस्तों, 108 मेगापिक्सल का जो सेंसर आ रहा है, जो क्वाड कैमरा सेटअप में हमको देखने को मिल रहा है, वो एक इसमें क्वाड कैमरा सेटअप है जो 108 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। अगर फ्रंट सेंसर की बात कर ले तो 16 मेगापिक्सल का हमें देखने को मिल रहा है। आपने खैर पिक्चर वगैरह तो देख ली थी, आप फिर से एक बार देख लीजिए। और दोस्तों मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर जो Realme 7 Pro था जो लास्ट टाइम, उसमें हमको तो फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था और इसमें हमको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड ग्रेड जरूर हुआ है। 108 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो वाइड एंगल सेंसर हमें देखने को मिलता, मेरे हिसाब से तो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है 108 मेगापिक्सल के। यहाँ दोस्तों अगर 108 मेगापिक्सल नहीं रखते, 64 मेगापिक्सल भी रखते हो उसी के साथ, या चिपसेट जो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन को कोई और दूसरा चिपसेट या प्रोसेसर लगा देते वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। बात कर लेते हैं इसके कैमरे ऐप के बारे में। तो कैमरे ऐप में हमको बहुत सारे नए नए फीचर इंक्लूड हुए हैं इस बार, बहुत सारे अलग अलग फीचर हमें देखने को मिले हैं कैमरे ऐप में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। जो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 720G का जो प्रोसेसर है, ट्राइडेंट ट्रस्टेड प्रोसेसर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर बात कर लूँ इसके अंतुतु स्कोर की, टू 2,80,000 हमको इसका अंतुतु स्कोर देखने को मिलता। और दोस्तों उसी के साथ अगर मैं बात कर लूं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो मीडियम टू हाई सेटिंग आप इजीली गेम खेल पाओगे। और दोस्तों अगर मैं बात कर लूं डेली टास्किंग या मल्टी टास्किंग की, तो आप दोस्तों इजीली बहुत ही ज्यादा स्मूथली कर पाओगे। यहाँ पे मैं बात कर लूँ अदर फीचर्स के बारे में, तो कैमरा टू AVI का भी सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, वेलवाइन L1 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि नेटफ्लिक्स वगैरह आप HD+ में स्ट्रीम कर पाओगे। इसी के साथ दोस्तों जो स्टार वैल्यू है वो भी विद इन लिमिट्स है। यहाँ पे मैं कनेक्टिविटी की बात कर लूँ तो डुअल 4G वोल्ट ही देखने को मिलता है, वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, उसी के साथ दोस्तों ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, डुअल ब्रांड वाईफाई भी देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं बात कर लेता है उसके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की, जो तो दोस्तों मल्टीमीडिया वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस वो आपका अच्छा जाएगा। अच्छे हमें स्क्रीन देखने को मिलती है, 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, इतनी अच्छी ज्यादा ब्राइटनेस, 1000 nits हमें ब्राइटनेस देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं जो ऑडियो के बारे में थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, यहाँ पर हमें मोनो स्पीकर देखने को मिलते हैं। दोस्तों 10,000 के फोन में आजकल स्टीरियो स्पीकर आने लगे और यहाँ पर तो मोनो स्पीकर हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ऑडियो के बारे में मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ। फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो Realme 8 Pro हमें यहाँ पर 17,999 का देखने को मिलता है, यानी कि दोस्तों ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज का देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है इस फोन के रिगार्डिंग मी 8 Pro के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये ग्राउंड ग्रेड लगा। Realme 7 Pro का सक्सेसर है तो दोस्तों ये थोड़ा सा कम मुझे लगा, डाउन ग्रेड लगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमको जो Realme 7 Pro आता था उसके बैक साइड में हमको ग्लास देखने को मिलती थी, Realme 8 Pro में हमको यहाँ पर प्लास्टिक बैक देखने को मिल रही है, उसमें हमको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते थे, स्पीकर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें जो डाउन ग्रेड लग रही है दोस्तों। और साथ ही में 7 Pro में हमको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यही सब है, और जो दोस्तों इसकी प्राइसिंग है 18,000 रुपीज, तो दोस्तों उसमें थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हूँ। और दो इम्प्रेशन एंड फर्स्ट लुक के बारे में थे जितने थे, बाकी कंप्लीट रिव्यू आएगा जो भी इसका कैमरे वगैरह का है, सब कुछ आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना, यही था हमारा Realme 8 Pro के बारे में फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट लुक एंड अनबॉक्सिंग, जितनी भी डिटेल थी मैंने सब कुछ आपको बता दी, और जो भी मेरे फर्स्ट इम्प्रेशन थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूल गए होंगे, तो जल्दी से भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक करते रहिए टेक से प्यार, वंदे मातरम।